लाउडस्पीकर का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी गलियारों में आजकल लाउडस्पीकर की चर्चा जोरों पर है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। अब श्री राम का नाम लो और उसमें गिरफ्तारी हो जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए, तो ये मुझे लगता है कि ठाकरे साहब की आत्मा पर भी चोट पहुंची होगी। सर, प्रदूषण की बात हो रही है, खास करके ध्वनि प्रदूषण को लेकर काफी चर्चा है देश भर में। जैसे कि योगी जी ने सब लाउडस्पीकर उतार दिए, महाराष्ट्र में भी चर्चा जोरों पे है। ऐसे में क्या लगता है कि बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इसमें क्या अपेक्षित है आपको कि लाउडस्पीकर की जो आवाज होते हैं खास करके सुबह, उसके लिए क्या? निश्चित रूप में हमें देर रात में या सुबह लाउडस्पीकर से जहां लोगों को ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से उनके कानों को कान का पर्दा भी कई लोगों का उसके कारण बड़ा असर होता है। आप स्वयं इसके भुक्तभोगी होते रहते हो, हमारे बहुत लोग भुक्तभोगी होते हैं, इसलिए उस पर पूरी तरह से सरकार का नियम है, कानून के तहत हमें देर रात में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो मनाही है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी राज्य की सरकार इसमें अमल कर रही है तो अच्छी बात है। इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तुरंत पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है कि उन्हें बाला साहब ठाकरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी मंशा हनुमान चालीसा के नाम पर देश में दंगा भड़काने की है। बाला साहब ठाकरे जी की चिंता करने की लोगों को जरूरत नहीं। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बाला साहब ठाकरे शायद उनके आँख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो, और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश। तो बाला साहब ठाकरे जी के बारे में आप हमें मत बताइए, आप अपना देख लीजिए। आपके जो नेता है आदरणीय योगी जी, हनुमान जी के बारे में उनके क्या वक्तव्य था देख लिया, हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके वक्तव्य है। अब आपका बजरंग बली के प्रेमी बन गए, छोड़ दीजिए, जब बोलना शुरू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लाउडस्पीकर विवाद को हवा एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दी है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति तब और खराब हो गई जब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया, वो भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री आवास के बाहर। इस घोषणा के बाद शिवसेना का कड़ा विरोध हुआ, राजनेता दंपति की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया। फिलहाल राणा दंपति सलाखों के पीछे हैं और इसी विवाद पर अब सियासत हो रही है।